हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए भारतीय डाक सेवा में जो पोस्ट ऑनलाइन बहाली निकला है इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लिए यह बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भारत में किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कब कैसे होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट डेट, फाइनली क्वेश्चन, सारा कुछ आप लोग को मिलेगा। इसकी बहाली कब से शुरुआत हुई है, स्टेट डेट आप लोग को 5/8/2019 से, और रजिस्ट्रेशन और अप्लाई जो लास्ट अप्लाई इंड होगा, अंत तक जो होगा वो है आप लोग को 4/9/2019 तक है। स्टेट टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन होगा, पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा स्टेप में फी पेमेंट होगा, और ऑफिशियल लास्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसर, और थर्ड स्टेप में आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन होगा। उसके बाद देखिए आपको कितनी पोस्ट है दिया गया है, कौन कौन सा स्टेट के निकाले गए हैं, मतलब किसी भी आप स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। असम में आपको 919 पोस्ट दिया गया है, बिहार में आपको 1063 पोस्ट दिया गया है, गुजरात में आपको 2510 पोस्ट दिया गया है, कर्नाटका में आपको 2637 पोस्ट दिया गया है, केरला में आपको 2086 पोस्ट दिया गया है, पंजाब में आपको 851 पोस्ट दिया गया है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरह से क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में ले जाऊंगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन वन में ले जाऊंगा, उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट में ले जाऊंगा, फिर थर्ड स्टेप में आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन में ले जाऊंगा, चौथा स्टेप में आप लोग को रिजल्ट है जानकारी चेक करने के लिए सारा कुछ देख रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग का यह पूरा डिटेल हो गया। आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग ऐसा वीडियो कभी ना देखे होंगे, क्योंकि और 10वीं पास ही आप लोगों को लिया जा रहा है, 10वीं पास ही इसमें है नोटिफिकेशन के माध्यम से, और 10वीं पास और आगे क्वालिफिकेशन जहाँ है वहाँ तक कर से, लेकिन 10वीं पास ही हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ क्या क्या प्रक्रिया है, या वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ देख रहे हैं असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, केरल, पंजाब, किसी एक में आप लोग को सारी डिटेल दिया जाएगा, और वहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोग पूरा अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि काफ़ी नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं, और ये लाइव इन्फॉर्मेशन हो गया, और यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए मैं किसी एक नोटिफिकेशन को क्लिक करता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बिहार का भी क्लिक कर, तो जैसे कि मैं दोस्तों फाइनली आ गया हूँ इस स्टेप पे, और ग्रामीण डाक सेवा का पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM के होते हैं, ये आप लोग को नोटिफिकेशन के अंतर्गत मैं अभी बिहार का दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग को बाकी का भी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM का है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और काफ़ी न्यूज़ों के अंतर्गत यहाँ पे कितनी सैलरी दिया जाएगा डाक सेवा के लिए, सारा प्रोसेसिंग आप लोग को है यहाँ पे, जो आप भरेंगे सीरियल नंबर, कैटेगरी BPM, ABPM, डाक सेवा, इसकी सैलरी आपको 10,000 से 12,000 तक है, मिनिमम
फोर इसी मैक्सिमम आप लोग को होल्ड देख रहे हैं 12,000 से 14,500 रुपया तक है। उसके बाद इसकी एज देख रहे हैं आप लोग 18 से लेके 40, जो पोस्ट अवेलेबल है 18 से लेकर 40 ईयर वर्ष तक का होना चाहिए इसकी। उसके बाद आप लोग को इसमें देख रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोग को होना चाहिए, देख रहे हैं 7/9/2017, 9/19 तक का होना चाहिए, 26/2019 तक होना चाहिए। सारा एजुकेशन संबंधित आप लोग देखिए, आइए क्वालिफिकेशन का यहाँ पे लेते हैं जो कितनी डिटेल होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10, 10th पास आप लोग को होना चाहिए विथ आपको मैरिटल एस्टेटेड इंग्लिश, कोई ज़रूरत नहीं, सारा कुछ इसमें प्रोसेसिंग में आप लोग को दिया गया है। उसके बाद नेम ऑफ क्लियर आंध्रा प्रदास। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं असम है आप लोग को, बिहार हो गया, हिंदी हो गया, कैटेगरी दिल्ली गुजरात हो गया। आप लोग बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए वीडियो है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ा होने वाला है। आप लोग देखते रहें अंत तक, मैं आप लोग को यह दिखाया स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, पूरी जानकारी आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ा के नॉलेज वाय शिफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ा होने वाला है। आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर देखें। इसकी सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी है, 25,000 से 10,000 आप लोग को अंत तक है, बढ़ते जाएगा। यह आप लोगों को काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। 27/11/1997 से ही ये अगले प्रोजेक्ट के लिए है। काफ़ी देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या इतनी हो गया, और GST पोस्ट के लिए भी आप लोग को क्वालिफिकेशन इसमें बहाली उसका भी है, इसमें भर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरेस्टेड है वीडियो आप लोगों के लिए। मार्कशीट है आप लोग को, फोटो लगेगा उसमें, आप लोग की ऑनलाइन प्रक्रिया भी होगा इसमें, सारा कुछ करूँगा मैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा अगला वीडियो बना के जो रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बाद फी पेमेंट किस प्रकार से होता है। उसके बाद अगला वीडियो में मैं आप लोग को तीनों स्टेप बताऊंगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, लास्ट ऑफ पोस्ट ऑफिशियल अप्लाई ऑनलाइन, ये तीनों प्रक्रिया मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। काफ़ी मज़ा आएगा यह वीडियो आप लोगों को अगर आप लोग देखेंगे। इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा मेरे दोस्तों, काफ़ी लाइव इंश्योरेंस है यह वीडियो की, काफ़ी मज़ा आने वाला है यह वीडियो देख रहे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को यही अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।